हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है कि सीजी व्यापम ने भी हाल ही में अपनी वेबसाइट्स पर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पीपीटी यानी कि प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और बीएससी नर्सिंग जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी जारी हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी मेरे हिसाब से 15 मई थी। ठीक है दोस्तों, 15 मई है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है, मतलब अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एमपी में पीपीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ उसी के बारे में कि एमपी व्यापम में पीपीटी यानी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना है कि आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है एमपी व्यापम। ठीक है, एमपी व्यापम दोस्तों टाइप करने के बाद आपको एक होम लिंक दिखेगी, होम पेज दिखेगा। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट एमपी व्यापम की, ठीक है, आपको यहाँ पे पहली लिंक जो मिलेगी इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोलेगा, तो आपको यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपको हम जो पेज खोलोगे आपका एमपी व्यापम का होम पेज होगा। ठीक है, आपको करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड में एक कुछ कॉलम वगैरह देखने को मिलेंगे जहाँ पर लिखा हुआ फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एग्जाम शेड्यूल वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर नीचे सेंसिटिव डेट्स करके आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, आप नीचे स्लाइड करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पीपीटी यानी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम आपका होना है इसमें लिखा हुआ है मंथ मई, यानी कि मई के महीने में, यानी कि अभी मई चल रहा है, मई के महीने में आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो एंट्रेंस टाइप का एग्ज़ाम होता है आपका, ये इसकी डेट इन्होंने देख रखी है, आप देख सकते हैं इसकी डेट इसमें देख रखी है आपकी 16 से 17 मई 2020, यानी कि आज आपकी मेरे हिसाब से 11 तारीख हो चुकी है। तो आप लगभग 5-6 दिन बाद इसका एग्ज़ाम फॉर्म इसमें जारी हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो डेट है ये आपकी सेंसिटिव एग्ज़ाम डेट है, यानी कि ये जो डेट है इसमें कुछ फेर बदल भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई, तो उसकी वजह से सारे एग्ज़ाम वगैरह जो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो इसकी भी आशंका है कि शायद पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन अगर पोस्टपोन्ड नहीं होता है एग्ज़ाम, तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह वो आपका 16-17 मई को लगभग आपका जारी हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।